भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इरफान पठान नीली जर्सी में भारत के लिए खेलते हुए आखिरी बार 2 अक्टूबर 2012 में दिखे थे। वो पिछले 7 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। अब जाकर उन्होंने 35 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस फैसले के बाद उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर का समापन हो गया। इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आधिकारिक तौर पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे बड़ौदा की एक सी जगह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इसके लिए वे खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ये भी मेरे लिए नसीब की बात थी। उन्होंने अपने क्रिकेट फैंस का धन्यवाद किया और कहा कि जो कुछ भी मिला आपकी वजह से ही मिला। ये वो फैंस हैं जिनकी कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इनका दिल से शुक्रिया। भारत ने धोनी की कप्तानी में अब तक एकमात्र T20 विश्व कप का खिताब 2007 में जीता था। भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। इस फाइनल मैच में इरफान पठान अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने फाइनल मैच में 4 ओवर में 16 रन देकर 3 अहम विकेट लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय करियर में उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 29 टेस्ट में 1105 रन बनाए, जिसमें 1 शतक भी शामिल था। टेस्ट में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 102 रन की रही थी। वहीं 120 वनडे मैचों में उन्होंने 1544 रन बनाए। वनडे में उनकी बेस्ट पारी 83 रन की रही। वहीं 24 T20 मैचों में 172 रन बनाए। T20 में उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 33 रन था। इरफान पठान ने वसीम अकरम को अपना आइडल बताया है। उन्होंने कहा है कि बचपन से ही उन्हें खेलते देखते हैं। उनकी गेंद फेंकने का एक्शन, स्विंग की काबिलियत, रिवर्स स्विंग फेंकने की कला में मुझे क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें देखकर ही मैंने क्रिकेट खेलने का फैसला किया। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इरफान पठान के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।